नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। आज हम आपके लाए कंप्यूटर साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज लाइट पेन? लाइट पेन क्या होता है? मैकेनिकल इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस होता है, या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस होता है। तो इलेक्ट्रिक जो लाइट पेन है वो हमारा होता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस कैसे वर्क करता है, और लाइट का मतलब होता है ऑप्टिकल, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। बीसीडी, बीसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। जो हम कोड्स बनाते हैं तो जो बाइनरी की फॉर्म में 0 1 की फॉर्म में हम लिखते हैं और डेसिमल के नंबर को शो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। एसकाई स्टैंड फॉर, एसकाई की फुल फॉर्म क्या होती है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो प्लीज आप इसे याद रखें। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हम इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए जो कोड्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्काई कोड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सी है? ईडीसैक। ईडीसैक जो है वो हमारे कौन से जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर आते थे। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज? फर्स्ट जनरेशन के जो कंपोनेंट थे वो क्या थे? वो हमारे थे वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेव्स। जो वॉल्स और वैक्यूम ट्यूब्स से जो बने थे कंप्यूटर वो हमारे फर्स्ट जनरेशन में थे। फर्स्ट जनरेशन वाले जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़े साइज के होते थे, क्योंकि उसमें हम क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे और वॉल्स यूज करते थे। फॉर्टन, फॉर्टन की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉर्टन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो फॉर फॉर्मूला, टी आर एन का मतलब है ट्रांसलेशन, तो उसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ईपी रोम, ईपी रोम का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो इलेक्ट्रॉनिक से इरेज कर सके और जो प्रोग्रामेबल होती है रीड ओनली मेमोरी, तो ये क्या है? ईपी रोम। रोम का मतलब होता है रीड एंड ओनली मेमोरी, लेकिन रीड ओनली मेमोरी किस टाइप की है? ये इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल होती है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉर डेवलप्ड ड्यूरिंग, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कब डेवलप्ड हुए थे, वो उनका ईयर पूछा जाता है। तो 1956 से 1965 का जो टाइम पीरियड है वो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का कहलाता है। कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, कंप्यूटर साइज जो साइज था वो सबसे लार्ज कब था? वो फर्स्ट जनरेशन में था। क्यों था फर्स्ट जनरेशन में लार्ज? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ करती थी और वो बहुत बड़े साइज की होती थी। माइक्रो प्रोसेसर एज अ स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन? माइक्रो प्रोसेसर हम किस डिवाइस में यूज करते थे और वो किस जनरेशन के कहलाते थे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? तो फोर्थ जनरेशन जब कंप्यूटर की आई तो फोर्थ जनरेशन में हम क्या यूज करने लगे थे? माइक्रो प्रोसेसर यूज करने लगे थे, जो बहुत ही कम स्पेस लेते थे और बहुत फास्ट वर्किंग करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज कैन बी सूट टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटिंग टेक्स्ट? डायरेक्टली इमेज जो है उसको प्रिंटिंग टेक्स्ट के थ्रू हम किसके थ्रू कर सकते हैं? ओ सी आर, ऑप्टिकल डिटेक्टर के थ्रू कर सकते हैं। ओ एम आर शीट वो होती है जो हम बबल्स करते हैं और उसको रीड करते हैं ऑप्टिकल रीडर के थ्रू। एम आई एस सी आर होती है हमारी मैग्नेटिकल के थ्रू। तो जो डायरेक्टली इमेज प्रिंट होती है टेक्स्ट में वो होती है हमारी ओ सी आर के थ्रू। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, जो आउटपुट क्वालिटी हम जो भी प्रिंटर यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी किस तरीके से मेजर करी जाती है? वो करी जाती है डॉट पर स्क्वायर इंच। पर स्क्वायर इंच में कितने डॉट्स आते हैं उसके हिसाब से हम क्वालिटी मेजर करते हैं किसकी? प्रिंटर की। एंड एनालॉगस कंप्यूटर, एनालॉगस कंप्यूटर क्या होते हैं? इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, आउटपुट इज डिस्प्लेड इन द डिजिटल फॉर्म और ऑल ओवर। तो जो एनालॉगस कंप्यूटर होते हैं वो कभी भी इनपुट को कन्वर्ट नहीं करते डिजिटल फॉर्म में, इसलिए उनको बोलते हैं अनलॉग्स कंप्यूटर। इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, जो लेटेस्ट कंप्यूटर जनरेशन है उसमें हम इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है? पैरेलल, सिक्वेंशियल या फिर बोथ? तो बोथ सिक्वेंशियल और पैरेलल फॉर्म में हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। सिक्वेंस मीन्स होता है सीरीज में काम करना, पैरेलल होता है कि साइमल्टेनियसली आप इनपुट्स और आउटपुट को जनरेट कर रहे हो। तो जो हमारे लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं वो सिक्वेंशियली भी वर्क करते हैं और पैरेलल भी वर्क करते हैं। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो आईनेक था वो किसने डिजाइन किया था? जे पर्पर, एन एरिक एंड जॉन वी मैकली ने डिजाइन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का जो कंप्यूटर से उठता है। ये याद रखें कि आईनेक जो फर्स्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था किसने डिजाइन किया था।
हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी. हाई लेवल सी किसने इन्वेंट करी थी? डेनिस एम रिचे ने करी थी. पर्सनल हु डिजाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर टू. जो पर्सनल डिजाइन करता है, प्रोग्राम करता है और ऑपरेट करता है और मेंटेन करता है कंप्यूटर इक्विपमेंट को, उसको हम कहते हैं पीपल वेयर. When did Arc rival IBM and Apple Computer Inc. decides to join hand? कब IBM और Apple ने decide किया था, join किया था, एक दूसरे को टाइप किया था, वो था हमारा 1991 में. Human being are referred to homo species, which device is called silico species. Human being जो होते हैं उसको homo sapiens कहते हैं, और कौन से डिवाइस होते हैं जिनको हम सिलिकन की स्पीसीज कहते हैं, वो होती है हमारी कंप्यूटर. क्योंकि कंप्यूटर में जो भी चिप्स यूज होती हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हम बनाते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए, जो भी यूज होता है वो हमारा सिलिकन से बनता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से होता है, तो इसलिए हम कंप्यूटर को कहते हैं सिलिकॉन स्पीसीज. An error in software or hardware is called bug. What is an alternative computer jargon for it? जो error developed होता है software और hardware में, उसको हम bug कहते हैं. तो जो jargon में होता है उसको हम बोलते हैं glitches. Glitches जो error generate होता है, एकदम से कुछ error जो आता है उसको हम बोलते हैं glitches. Modern computer are very reliable but they are not. मॉडर्न कंप्यूटर बहुत रिलायबल हैं, बट दे आर नॉट फास्ट पावरफुल और चीप. तो फास्ट भी होते हैं, पावरफुल भी होते हैं, चीप भी होते हैं. इनफेलिबल का मतलब होता है वो कभी गलती नहीं करते, उसमें एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, या फिर होता ही नहीं है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इनफेलिबल. तो मॉडर्न कंप्यूटर जो है रिलायबल है और उसमें मिस्टेक का कोई चांस नहीं होता. What is the name of the display feature that highlights are the screen which required operator intention? What is a name display? जो डिस्प्ले पे नेम होता है उसको हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स वीडियो लगाते हैं. रिवर्स वीडियो अटेंशन के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं इसको. पर्सनल कंप्यूटर यूजेस अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन द मेन सर्किट बोर्ड. व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड. जो पर्सनल कंप्यूटर पर हम नंबर ऑफ चिप्स लगाते हैं, जो सर्किट बोर्ड बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मदरबोर्ड. मदरबोर्ड वो डिवाइस होता है जहाँ पे सारी चिप्स हमारी लगती हैं, जो सिलिकन्स की बनती हैं, अलग अलग डिवाइसेस जो होते हैं वो सारे हमारे मदरबोर्ड पे होते हैं. मदरबोर्ड के थ्रू ही हमारा पूरा कंप्यूटर क्या करता है, ऑपरेट करता है. इन मोस्ट IBM PC द CPU द डिवाइस ड्राइव मेमोरी एक्सपेंशन Slots are active component are mounted on a single board. What is the name of the board? अब यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि जो IBM के PC होते हैं, जो CPUs होते हैं, जो भी एक्टिव डिवाइसेस होते हैं, जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, मेमोरी होते हैं, वो किस पे माउंट करते हैं, वो किस पे लगाते हैं, हम मदर बोर्ड पे. What is meant by dedicated computer? Dedicated computer का मतलब होता है which is assigned one and only one task. हम particular कोई computer किसी particular task के लिए use करते हैं, जैसे research के लिए use करते हैं, monitoring के लिए use करते हैं, उसको हम कहते हैं dedicated computer. The system unit of a personal computer typically contain all the following except. जो सिस्टम यूनिट होती है पर्सनल कंप्यूटर की, वो क्या चीज़, उसमें क्या क्या होता है. माइक्रो प्रोसेसर होता है, डिस्क कंट्रोलर होता है, सीरियल इंटरफेस होता है. क्या नहीं होता उसमें, मॉडम नहीं होता. मॉडम एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है जो इंटरनेट फैसिलिटी के लिए यूज लिया जाता है. अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट एन एंटायर प्रोग्राम इन टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड. जो एंटायर प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं हम कंपाइलर. और इंटरप्रेटर होता है जो एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है. तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखें. कंपाइलर एक बार में पूरे को चेंज कर देता है मशीन लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर एक एक लाइन को चेंज करता है. A computer program that translate one program instruction at a time into machine language is called interpreter. At a time वो एक चीज को जो ट्रांसलेट करता है उसको कहते हैं interpreter. A small or intelligent device is so called because it contain within it. जो small intelligent device होता है उसको हम क्या बोलते हैं, sensor बोलते हैं. sensor वो device होता है जो intelligently हमारा क्या करता है, sense करता है छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे changes को. तो सेंसर क्या करता है, इनको डिटेक्ट करता है. तो कंप्यूटर अलग चीज़ हो गई, माइक्रो कंप्यूटर बिल्कुल अलग चीज़ हो गया. प्रोग्राम हमारा वो होता है, शेड्यूल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम रन कर पाते हैं. तो सेंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है इसका. अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज. जो प्रोग्राम को काम करने से रोकता है उसको हम बोलते हैं बग.
are self-replicating programs similar to a virus, which was taken from a 1970s science fiction novel by the John Berner entitled The Shockwave Rider is. जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो बिल्कुल वायरस के जैसे दिखता है उसको हम बोलते हैं वॉर्म। तो जो वायरस के जैसे एक्ट करता है, वायरस के जैसे दिखता है, रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है उसको हम बोलते हैं वॉर्म। अ स्टेट इज अ बायस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज, बायस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सा होता है? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में हमारी दो मेमोरी, हम मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं आइदर जीरो और वन के फॉर्मेट में। Unwanted repetition message such as unsolicited bulk email is known as, जो unwanted repetition message होता है उसको हम बोलते हैं spam या फिर junk files. DOS stand for, DOS का मतलब होता है disk operating system, जो operating system, disk operating system को हम बोलते हैं DOS. Who is the chief of Microsoft? Microsoft का chief कौन है? Bill Gates. Which of the following are input devices? Input device कौन कौन से हैं? Keyboard, mouse, card reader या any of this. तो ये सारे क्या हैं? Input devices जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं। Example of output device. Output device कौन से होते हैं जिससे हम आउटपुट देखते हैं? जैसे स्क्रीन है, आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो आप किसके थ्रू देख रहे हैं? स्क्रीन के थ्रू। प्रिंटर से हम आउटपुट ले सकते हैं पेपर का। स्पीकर के थ्रू हम सुन सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? हमारे आउटपुट डिवाइसेस। Which of the following is also known as brain of a computer? Brain of a computer को हम किसको कहते हैं? Central processing unit को कहते हैं। CPU हमारा brain of the computer होता है। IBM stand for, IBM का full form क्या है? International Business Machine। International Business Machine की full form, इसकी short form क्या होती है? IBM। Translate and execute program at run time line by line, जो translate करता है और execute करता है program को एक line के line की form में, उसको बोलते हैं हम interpreter। Interpreter line to line को क्या करता है? Translate करता है। It is an OOP principle। OOP principle किस में होता है? वो होता है हमारे inheritance में। जो हमारी inheritance वो होता है जब family tree चलता है, जैसे grandparents से parents आएंगे, parents से children आएंगे। जो inheritance program होता है वो हमारा किस में चलता है? OOPs में चलता है। COBOL is widely used in an application as, जो COBOL है वो किस में यूज होती है? commercial application में यूज होती है। जितने भी हमारे commercial programming होते हैं उसमें हम यूज करते हैं COBOL। RAM stand for, RAM की full form होती है random access memory। इसको याद रखें, बहुत बार पूछी जाती है। random access memory को हम बोलते हैं RAM। one byte किसके equivalent होती है? 8 bit के, और 4 bit हमारे nibble के equal होती है। SMPS को हम full form के कहते हैं, switch mode power supply। तो switch mode power supply को याद करें, इसको क्या बोलते हैं? SMPS। मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी जिसमें हम पूरी जो कंप्यूटर से रिलेटेड, IT सेक्टर से रिलेटेड full form पूछी जाती है, abbreviation, वो उसकी पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड, जो डिजिटल डेटा को कैरी करती है एनालॉग लाइन्स में, उसको कहते हैं मॉडम। जो मॉडम होता है हमारा वो क्या करता है? जो डिजिटल डेटा है उसको कैरी करता है किस पे? एनालॉग वायर पे। VDU इज ऑल्सो कॉल्ड, VDU को हम स्क्रीन भी कहते हैं, मॉनिटर भी कहते हैं, और क्या हम इन दोनों को बोथ कहते हैं। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट में हमारा स्क्रीन भी आता है और मॉनिटर भी आता है। BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये याद रखें, BIOS की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है? डेनिस रिचे। द इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर्ड टू एज कंप्यूटर प्रोग्राम। हमको जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं सेट फॉर्मेट में, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम, जिसके थ्रू पूरा कंप्यूटर हमारा रन करता है और हमारा पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपके क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आपके लिए हम कंप्यूटर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए बहुत हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।